जिला बिलासपुर के गुहारमी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र गर्ग ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के पश्चात ही गुहारमी विधानसभा क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने तरीके से इस खुशी के पल को सराहा है कि एक गुहारमी के डडुआ गाँव के किसान का बेटा मंत्री पद से नवाजा गया है, वे अविश्वसनीय क्षण है। गुहारमी शहर के गांधी चौक पर युवाओं के द्वारा नारे लगाकर पटाखे फोड़कर और मिठाई बांट पर खिलाकर इस खुशी के पल को यादगार बनाया गया है। गुमारवी विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही ज्यादा गर्ग समर्थक बेशक इस अविश्वसनीय क्षण को यादगार बनाने के लिए शिमला पहुंच गए हैं तथा गर्ग का परिवार भी शिमला में ही है। गर्ग के लिए जो कल तक ईर्ष्या पाले हुए थे, वे भी आज अपने तरीके से बधाई संदेश दे रहे हैं। गुहारमी की जनता के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है कि आज तक गुहारमी विधानसभा क्षेत्र से न कोई उम्मीदवार रिकॉर्ड 10,435 वोटों से जीता है और न ही मंत्री पद मिला है। गर्ग शुरू से ही पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे रहे हैं तथा एमएससी बोटनी से गोल्ड मेडल हासिल किया है तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कट्टर समर्थकों में से एक हैं। कुमारवी विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास की नई परिभाषा लिखने वाले गर्ग मंत्री पद मिलने के बाद अब समूचे प्रदेश का विकास करवाकर नई गाथा लिखेंगे। आगामी 3 अगस्त को रक्षाबंधन है। इस दौरान बाजारों में राखियों की मांग बढ़ गई है। हर खरीदार चीनी राखियों की जगह स्वदेशी राखियां खरीदना चाहते हैं। वहीं अब चीनी उत्पादों के बहिष्कार के बाद स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ गई है। ऐसे में वैदिक संस्था ने गाय के गोबर से राखियां सहित अन्य उत्पाद तैयार कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। वैदिक संस्था ने वैदिक प्लास्टर, वैदिक कलर, वैदिक धूप, हवन कुंड और वेस्ट पेपर से बनी पेंसिल कैलेंडर तैयार की है, जो कि आजकल प्रधानमंत्री के कहे अनुसार आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक पहल है। ये सब उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। आपको बता दें कि वहीं वैदिक संस्था ने गोबर से राखियां तैयार की हैं। राखी को तैयार करने के लिए सबसे पहले गोबर को सुखाकर उसका बारीक पाउडर बनाया जाता है, फिर प्रीमिश मिलाकर सांचों से इन्हें अलग अलग आकार दिया जाता है और फिर सुखाकर प्राकृतिक कलर और रेशम का धागा लगाकर तैयार किया जाता है। वहीं इस साल राखी के विशेष पर्व पर वैदिक संस्था द्वारा तैयार की गई ये राखी देखने में सुंदर और आकर्षक है। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रवण अष्टमी मेले के दौरान पुजारी वर्ग और मंदिर न्यास के द्वारा किया जा रहा पूजा पाठ दुर्गा पाठ पूर्ण आहुति के साथ संपूर्ण हो गया। विधि विधान के अनुसार मंत्रों उच्चारण के साथ स्थानीय पुजारी वर्ग ने प्राचीन हवन कुंड में हवन यज्ञ किया। ये हवन यज्ञ इस बार विशेष रूप से कोरोना महामारी के निवारण हेतु किया गया। हालांकि हर वर्ष माता श्री नैना देवी के दरबार में मंदिर न्यास और पुजारी वर्ग के संयुक्त सहयोग से श्रवण अष्टमी मेले के दौरान यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है, लेकिन इस पर विशेष तौर पर ये अनुष्ठान कोविड-19 महामारी के निवारण हेतु और श्रद्धालु स्वस्थ रहें इसको लेकर ये हवन यज्ञ लगातार 10 दिनों तक चलता रहा और जिसकी पूर्ण आहुति डाली गयी। साथ ही स्थानीय पुजारियों ने माता श्री नैना देवी से प्रार्थना की कि मां के सभी श्रद्धालु स्वस्थ रहें, माता रानी उनके रोग कष्ट दूर करें और फिर से मां के दरबार खुलें और ये धार्मिक नगरी ऊंचे जयकारों से फिर से गूंजे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं और श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर हमीरपुर में लोगों ने सराहना की है। हमीरपुर के प्रबुद्ध लोगों से नई शिक्षा नीति को लेकर लोगों की राय जानी। शिक्षाविद विकास दीक्षित ने कहा कि नई शिक्षा नीति समय की मांग थी और सरकार ने पॉलिसी में बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति से
छात्रों के साथ साथ सभी को फायदा पहुंचेगा। छात्रा कृतिका का कहना है कि नई शिक्षा नीति से छात्रों को बहुत फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छात्र परेशानियां भी झेल रहे थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति से छात्र खुश हैं। एडवोकेट अमित कुमार का कहना है कि सरकार का बढ़िया निर्णय है और इससे भविष्य में अच्छे परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण नीति पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि छात्रों के एडमिशन पर आरक्षण चलता है। NSUI जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर का कहना है कि एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव का स्वागत करते हैं और अब पॉलिसी में बदलाव किया है, जो कि सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सकारात्मक बदलाव लाया है, जो कि अच्छी बात है। निवासी उमेश का कहना है कि एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव बहुत बढ़िया निर्णय है और इसमें पहले MA करने के बाद MPhil करना पड़ता था, लेकिन अब MA के बाद MPhil में जगह मिलेगी। कुल मिलाकर बदलाव से सभी को फायदा मिलेगा।